देहरादून लोक निर्माण विभाग में विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने पहली समीक्षा बैठक की है। धामी सरकार में मंत्री सतपाल महाराज को लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में आयोजित बैठक में महाराज ने चारधाम यात्रा समेत अन्य सड़कों का ब्यौरा अधिकारियों से तलब किया। साथ ही तय समय में सड़कों के लिए आवंटित बजट को खर्च न कर पाने वाले अधिकारियों को प्रतिकूल प्रवास्टी करने के भी निर्देश दिए। आज मैंने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की है। इसमें इनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा की गई और मैंने ये हिदायत दी है कि सड़कों का रखरखाव ठीक होना चाहिए, गड्ढे दूर होने चाहिए और सड़कों की हिफाजत तभी होगी जब नालियां बनेंगी। पानी से जो इरोजन हो जाता है, सड़क खराब हो जाती है, उसके रोकने की व्यवस्था की जाए। चार धाम परियोजना में कुल प्रस्तावित कार्य जो हैं हमारे 53 हैं, जिनकी लागत 11,700 करोड़ है। इसमें स्वीकृत कार्य हमारे 40 हैं और शेष कार्य जो हैं 13 होने बाकी हैं। इसी प्रकार से पूरी कनेक्टिविटी जो है भारतमाला के माध्यम से पूरी कनेक्टिविटी का प्रयास किया जा रहा है। मैंने ये भी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जो देश के अंदर फॉसिल फ्यूल है उसको बचाने का भी प्रयास किया जाए। जब हम सड़कों की बात करते हैं तो उत्तरकाशी से अगर घुत्तू होते हुए, घनशाली होते हुए त्रिजुगी नारायण कनेक्टिविटी होती है तो हमारा देश बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल को बचत करता है।